का अपना वीडियो होने वाला है बीकेएस फंक्शन हॉल, जो परली का जो अपना बीकेएस फंक्शन हॉल है ना दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं फिर से दिखाने वाला हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपको देखना तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करना दोस्तों, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों। चलते हैं और इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो को बनाने को दोस्तों मैं अकेला नहीं गया था, मेरे साथ में हमारा दोस्त भी था, वाजिद भाई बोल के हमारे दोस्त है, दोनों हम साथ में गए थे। मगर वाजिद भाई को शायद कटाल आ रहा था शायद अंदर आने का, तो मैं अकेला गया था अंदर। तो बाद में थोड़ी देर के बाद दोस्तों हमारे वाजिद भाई अंदर आए थे और बोले थे क्या कर रहा है बोले तू कब से अंदर। मैं बोला अरे वीडियो बना रहा है भाई। मैं बोला यार कब से बना रहा बोले मैं भाई रेडी जैसा बैठा बोले, मैं देख रहा था बोले तेरे को भाई से देखा बोले तू यूं आड़े टीड़े क्या कर रहा था बोले कब से। बोले मैं बाहर जाके और रुकता बोले तू कर बोले क्या कर रहा बोले जब तक। मैं बोला तू बाहर रुक। मैं बोला मैं आता मैं वीडियो बना के। तो फिर हमारे वाजिद भाई और थोड़ी देर जाके बाहर बैठे, शायद वॉचमैन कुंजी भी था वहाँ पे, उसको बातें करते बैठे थे। तो जब तक मैं वीडियो बना रहा था अंदर, चलिए आपको आगे का थोड़ा क्लिप दिखा देता हूँ। तो जैसे ही अंदर गया फंक्शन हॉल के अंदर, पहला ही सीन मैंने शूट किया दोस्तों, तो मेरे जो माइक है ना उसकी चार्जिंग ख़त्म हो गई। तो मैंने शायद उस वीडियो में बोला था और मेरे माइक की चार्जिंग थोड़ी ख़त्म हो गई है, मेरा आवाज़ थोड़ा कम आएगा, एडजस्ट कर लेना। तो फिर बाद में दोस्तों कुछ बंदे लगे फ्री में फंक्शन हॉल को प्रमोट कर रहा बोले तू। तो मैंने क्या सोचा भाई, खुद तो नहीं करते और दूसरे कर रहे, और वो भी देखे नहीं जाता। मैं बोला चलिए आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं, अभी तक मैंने छोटे छोटे क्लिप दिखाया है, चलिए इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों।